ज्यादा नखरे मत करो और चुपचाप से ये ड्रेस पहन लो। एक ही दिन की तो बात है, फिर तो हमें कल वृंदावन जाना है ना। देखा, वृंदावन के नाम से स्माइल आ गई ना। पता है उनको ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी है। थोड़ा टाइम हमारे लिए भी निकाल लिया करो देवी जी। अरे आप कब आए? तुम्हें अपने लड्डू से फुर्सत हो तब तो पता चले कुछ। लड्डू है ही इतना प्यारा, मैं तो आपको भी बोलती हूँ कि लड्डू से बात तो किया करो। अरे मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि मैं भगवान को नहीं मानता। हाँ, इंसान का दिल साफ होना चाहिए, दिल का सच्चा होना चाहिए। देखना एक दिन आप भी। वो दिन कभी नहीं आएगा। ओके ओके, लेकिन कल वो दिन है जब आपने हमें वादा किया था कि हमें वृंदावन लेके जाएंगे। अरे यार तुम चले जाओ ना अपने आप, मैं कैब बुक कर देता हूँ। नहीं नहीं, वादा तो वादा होता है। आपने कहा था ना कि मैं वृंदावन लेके जाऊंगा, तो आप वृंदावन लेके जाएंगे। सच कहूं मेरी यार कोई इच्छा नहीं है जाने की। चाहे कुछ भी हो, आप हमें कल वृंदावन लेके जाइए। इंसान को अपनी बात का सच्चा होना चाहिए। ओके बाबा, कर लो पैकिंग। खाने के लिए कुछ रखा है क्या? हाँ, तीनों के लिए काफी है। बाहर मौसम देखो कितना अच्छा है। एक मिनट रुकना पड़ेगा। ए भाई कुछ दे दे। देवी जी। हाँ पता ही नहीं चला कब आग लग गई। चलो अब कुछ खाने को दे दो। लग गई भूख। लड्डू कहाँ है? पीछे है क्या? मुझे क्या पता। अरे लड्डू कहाँ है? यही तो था मेरे पास, पीछे तो नहीं है। ना मुझे सच में नहीं पता। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, अभी गाड़ी रोको, अभी गाड़ी रोको। क्या यार, ये भगवान, मेरे लड्डू कहाँ है? बताओ मुझे कहाँ रखा तुमने उसको। अरे एक मिनट, क्या तुमने कहीं गाड़ी रोकी थी क्या? हाँ मैं वॉशरूम गया था, और तुम्हें बता के तो गया था मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे नहीं याद, मैं तो सो रही थी। मुझे क्या पता तुमने कब गाड़ी रोकी, कब चलाई। अब मुझे क्या पता तुम एकदम से सो जाओगी, जरूर वहीं कुछ हुआ है। और तो कहीं गाड़ी रोकी नहीं हमने। अब चलो वहीं चलो वापिस। कमाल हो तुम भी, बस गाड़ी चलाओ, रुको मत, अब तुमको वापिस जाओ। पता नहीं मेरे लड्डू को कहीं लेके तभी चला गया है भगवान। अब मुझे थोड़ी पता तुम एक मिनट में सो जाओगी। तुम तो चाहते ही नहीं हो, पहले दिन से तुम्हारा यही है कि लड्डू मेरे पास ना रहे। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर लड्डू नहीं मिला। अब तुम्हें कौन समझाए। भगवान मेरे लड्डू का ध्यान रखना। भाई पीछे हो जा, पहले लेट हो गया। तुम तो कहती हो कि लड्डू ही भगवान है। हैं? लड्डू ही मेरा भगवान है, मेरे लिए तो वही मेरा सब कुछ है। जल्दी चलाओ गाड़ी। अब उड़ के चला जाऊं क्या? कोई खा तो लेगा नहीं तुम्हारे लड्डू को। प्लीज लड्डू मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई। अब तुम भी कुछ खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया। लड्डू को भी तो भूख लगी होगी, मैं ऐसे कैसे खा लूं। अरे तुम तो कहती हो वो सारी दुनिया को खिलाता है, तो वो खुद भूखा रहेगा क्या? अरे खा लो कुछ, खा लो, भूखी ना रहो। मेरी कोई इच्छा नहीं है। ओके बाबा ठीक है, जिद मत करो। कल मैं मार्केट से ना नया। क्या, अगर हमारा खुद का बेटा गुम हो जाता तब भी तुम यही कहते कि मार्केट से नया ले आएंगे? मेरा दिल कहता है कि लड्डू जरूर आएगा। अरे बच्चों जैसी बात मत करो, लड्डू वापस कैसे आ जाएगा? वो आएगा और जरूर आएगा। मैं जा रहा हूँ। अरे जाने से पहले एक बार मौसी को फोन कर लो, कहीं बाहर ना गई हुई हो। अरे वो कहीं नहीं जाते, मुझे पता है। अभी 3-4 दिन पहले ही तो मेरी बात हुई है उनसे। इतने टाइम बाद मौसी से मिलने जा रहे हो तो उनके लिए एक सुंदर सी साड़ी ले जाना, ठीक है ना? मुझे पता है उनको क्या अच्छा लगेगा। चलो ओके बेटा, बाय।
अच्छा सुनो, ऐसा करते हैं कल एक बार दोबारा जाते हैं और अच्छे से चेक करते हैं, हो सकता है किसी झाड़ी वाड़ी में। झाड़ियों में? मेरा लड्डू झाड़ियों में है। फिर लड्डू? अरे लड्डू क्या, जलेबी रबड़ी ढोकला जो कहोगी ना वो खिला दूंगा, पर लड्डू को भूल जा। हाय मेरा लड्डू। अरे जिद मत करो फालतू में, खा लो कुछ। अब तुम खाओ, तुम्हें मेरी क्या फिक्र। वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है, तुम्हारी फिक्र मैं क्यों करूं, तुम्हारी फिक्र तो उसे करनी चाहिए जिसके लिए तुम हर रोज नए नए पकवान बनाती थी, जिसको रोज खिलाती थी। तो फिर वही तुम्हें खिलाएगा अब? हाँ खिला देगा मुझे, अगर एक बार भी मैंने उसके सच्चे मन से सेवा की है तो वो आएगा। क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस है। अच्छा सच ही आएगा? हाँ मेरा दिल कहता है कि वो जरूर आएगा। चलो ठीक है, मान लिया कि तुम्हारा लड्डू आएगा, पर ये बताओ कि वो उड़ के आएगा या वो एकदम से प्रकट हो जाएगा, जैसे वो तुम क्या स्टोरी बताती हो, वो तुम्हारे वो खंबे वाले भगवान की, वो कौन सी है वो? नरसिंह भगवान की। जय नरसिंहा। तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे तुम्हारे नरसिंह भगवान अपने भक्त के लिए खंबा फाड़ के प्रकट हुए थे, तो क्या तुम्हारा लड्डू भी ऐसे प्रकट हो जाएगा? हाँ अगर लड्डू की इच्छा हुई तो प्रकट हो सकता है। हैं? इंटरेस्टिंग। ना ही तुम हिरण्यकश्यप हो और ना ही मैं प्रहलाद। चलो ये भी मान लिया, पर तुम लड्डू की सेवा तो करती हो ना? हाँ करती हूँ। तो ठीक है, फिर मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, अगर आज तुम्हारा लड्डू वापस आ जाए ना तो मैं भी भगवान को मानना शुरू कर दूंगा और तुम्हें वृंदावन भी लेकर जाऊंगा और लड्डू की सेवा भी करूंगा और तुमसे भी ज्यादा, लेकिन लेकिन लड्डू को आज ही आना पड़ेगा। लड्डू की जब इच्छा होगी तब आ जाएगा। तुम कहती हो ना भगवान हर जगह है, कहती हो ना? हाँ है। ठीक है फिर, अब अगर डोरबेल बजे ना और लड्डू आ जाए तो मैं मान जाऊंगा तुमने सच में लड्डू की सेवा की है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि डोरबेल एक हफ्ते से खराब पड़ी है। तुम्हारा भगवान एक खंबा फाड़ के आ सकता है तो क्या लड्डू एक छोटी सी डोरबेल भी जा सकता? डोरबेल बजेगी। डोरबेल बज गया क्या? हाँ अब तुम्हारी भी बेल बजेगी। हैं? मेरी बेल बजेगी? लड्डू जी मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए। नमस्ते। ए, नमस्ते बेटा, मेरा लड्डू, अरे मेरा लड्डू वापस आ गया, देखो मेरा लड्डू वापस आ गया। अरे ये तो सच में तुम्हारे तुम्हारे लड्डू नहीं, ये तो हमारा लड्डू है। कितना प्यारा लग रहा है, मैं मान गया तुम्हारी भक्ति को और लड्डू की शक्ति को, मैं तुम्हें वृंदावन लेके जाऊंगा। लड्डू गोपाल की जय।